स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से सीपीएनई वफ की मुलाकात। वफ में सरदार खान न्याजी और आरिफ निजामी समेत दीगर अहदेदारान की शिरकत। चौधरी परवेज इलाही के हुकूमत के साथ किले शिकवे नाराजगी का इजहार। देखिए जी, इतिहादी का जो मकसद होता है वो हुकूमत को सपोर्ट करना और इतिहादी को अपना समझ के चलना जो है वो सूदमंद होता है, और इतिहादियों को शौकन के तौर पर ट्रीट नहीं करना चाहिए। अब ये पता चला है कि एक नई कमेटी आ गई है और वो कमेटी जो है मुझे तो समझ नहीं आ रही। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि एक बुल्ले शाह का शेर है, ना अगली तो ना पिछली तो मैं सदके जावा विचली तो। हमें तो समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। चौधरी परवेज इलाही का बतौर इत्तेहादी हुकूमत से तहरीरी मुआहिदे का इंकिशाफ। स्पीकर पंजाब असेंबली कहते हैं तहरीरी मुआहिदे पर मेरे और वजीर आला उस्मान बुजदार के दस्तखत मौजूद हैं। मुआहिदे में तय था कि मुस्लिम लीग काफ को 6 वजारतें दी जाएंगे, 2 वजारतें फेडरल जबकि 4 वजारतें पंजाब में दी जाएंगे। कहा हुकूमत हमारे साथ किए गए मुआहिदे को पूरा नहीं कर रही। वजीर आजम इमरान खान ईमानदार इंसान है मगर मामला नहीं चल रहे। वजीर आजम इमरान खान ने एहसास कफालत प्रोग्राम का इजरा कर दिया। मुस्तहकीन में चेक तकसीम किए 200 अरब रुपए एहसास कफालत प्रोग्राम के लिए रखे गए। हुकूमत का मकसद कमजोर तबके की मदद करना है। इमरान खान का तकरीब से खिताब। नाअहल हुकूमत ने एक भी मसला हल नहीं किया। अपोजिशन जमातें हुकूमत को घर भिजवाने पर मुत्तफिक। तमाम सूबों में इत्तेहादी नाराज हैं। बिलावल भुट्टो की तनकीद, एमक्यूएम को एक बार फिर वजारतें छोड़ने का मशवरा। मौलाना फजलुर रहमान एक और तहरीक के लिए तैयार। अपोजिशन की 5 जमातों के साथ मिलकर शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी। मुश्तरका एहतजाजी हिकमत अमली का आगाज 5 फरवरी को योम यकजहती कश्मीर से किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जलमे खलीलजाद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अफगान मुफाहमती अमल और खिते की सूरतहाल पर तबादला ख्याल। अमरीकी नुमाइंदे खसूसी काम के लिए मुश्तरका अहदाफ के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को खिराज तहसीन।